1000 रुपये का तेल फूकेंगे, फिर चलेंगे कॉफी पीने चलेंगे। पाकिस्तान चलना, आप क्या सोच क्या सकता है वो सूट जो इंसान खर्च करना सीख गया वो कमाना सीख जाएगा। ये तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो गाइस रेगुलर होने की पूरी कोशिश चल रही है अपने व्लॉगिंग की। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 11:45। तो भाई 11:45 हो चुके हैं, कनव को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। आज जिम की छुट्टी है क्योंकि मैं वीक में अब 2 बार ऑफ करने लगा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा गेन करना है, तो रेस्ट भी ज़रूरी है। वैसे मेरी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाता। और ये गाड़ी को आज भाई मैंने कम से कम 1 से 2 हफ्ते बाद हाथ लगाया है, और देख लो रिजर्व में मिली है मुझे। अब तुम समझ सकते हो मेरे दिल के हालात। भाई ये देखो, अभी तो ये चेंज नहीं करवाया भाई अब तक। पहले देख लो कहाँ था ये, यहाँ था, बढ़ते 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 यहाँ आ गया। आज सोच रहा हूँ इस गाड़ी को धुलवा दूँ एक बार, पर धुलवाने के कोई कारण नहीं है यार। ये देख रहे हो भाई, बारिश का मौसम हो रहा है यार। अगर धुलवा दूंगा, साफ़ करवा दूंगा, फिर बारिश पड़ जाएगी, फिर गंदी हो जाएगी। तो सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत दिन बाद धुलवाऊँ। बाकी अभी चलते हैं एक बार कनव को लेने के लिए, और फिर उससे मुलाकात करवाऊँगा, बढ़िया 1-to-1 करवाऊँगा आप लोग। चले बैग उतार दूँ क्या? रुको एक मिनट, बैठो, देखो रुको रुको रुको, छोड़ दे, चल। वेरी नाइस वेरी नाइस, चलो चल यार। उससे पहले चल रहा सी में हैदर से ना। तू तो कह रहा कल पाकिस्तान जाऊंगा, हैं पाकिस्तान चलना है या नहीं चलना है? अभी चलते हैं, तो गाड़ी में बैठ जाऊंगा, ठीक है। अब पाकिस्तान चलना, घर चलना, पाकिस्तान पाकिस्तान चलना। उससे मिलवाऊंगा तुझे, लप्पू से, सचिन से ना। तो किससे मिलेगा, सी में हैदर ना। तो किससे मिलेगा भाई पाकिस्तान जाके, कोई और दोस्त है ना आपने? पाकिस्तान से मिलूंगा। पाकिस्तान से मिलेगा नहीं, पाकिस्तान तो एक प्लेस है, जगह है, ठीक है। पाकिस्तान में लोग रहते हैं। तो तेरा वहाँ पे कोई दोस्त है? नहीं। दोस्त मैं माधव गुल्ला बस। हैं माधव गुल्ला? रात आप घूमने गए थे क्या? हाँ। आप गए थे ना मम्मा के साथ मॉल? मॉल गए थे ना। हाँ। क्या करा फिर मॉल में जाके? गिफ्ट ले, कपड़े लिए और खाना खाया। चाचू को लेके आया तू? क्यों? वो दे दिया हबीब को। यार हबीब ड्राइवर को दे दिया? हाँ। लग गई सिर में, पर पीछे को बैठ जल्दी, पीछे को बैठ, बैठ जा, पीछे को बैठ। से बैग तो हटा ले, बैग हटा दिया। सुन मेरी बात, अब तू मेरे लिए लेके नहीं आया? मैं बाल को दे दिया। तो मेरे लिए क्यों लेके आया ये बता। आपके लिए कुछ नहीं लेके आया? अब तो मैं भी तेरे लिए कुछ लेने लेके आऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आऊंगा, ब्लू वाली कार और ब्लू वाली गन और पुलिस वाली जिप्सी, बट तू तो मेरे लिए कल रात खाने के लिए लेके नहीं आया, तो तेरे लिए भी लेके आऊंगा मैं। फिर मैं अपने बर्थडे पे ले आऊंगा। तेरे बर्थडे कब है? तेरे बर्थडे तो निकल गया ना। अरे तेरे बर्थडे तो निकल गया। अब पता किसका बर्थडे आ रहा है? बता किसका आ रहा है? सुन ये बता दे एक बार, मैं बताऊँ किसका बर्थडे आ रहा है? बता। पप्पा का। पप्पा के बाद मेरा आएगा। पप्पा से पहले आएगा ना तेरा तो? हाँ। तेरा तो निकल गया ना? तो बड़ा हो के पुलिस बनेगा, चोर बनेगा? पुलिस? पुलिस बन के क्या करेगा? चोर को आतूंगा। चोर को। क्या करेगा चोर को? पकड़ पकड़ के मारूंगा। चोर को पकड़ पकड़ के मारेगा ये? और चोर ने अगर तुझे वापस मार दिया तो? नहीं मार पाएगा वो। क्यों नहीं मार पाएगा? मौसी का लड़का है क्या चोर? ये बता, अगर चोर ने वापस मार दिया क्या करेगा तू? मैं बताऊँ क्या करियो? चाचू को लेके चलियो साथ, ठीक है? चाचू को भी मार दिया उसने तो क्या करेगा? फिर मैं बुलाऊंगा गन वाली पुलिस को। गन वाली? अच्छा, गन वाली पुलिस को बुलाएगा, और गन वाली पुलिस को भी मार दिया तो? उसको मार देगी फिर गन वाली पुलिस? नहीं, अगर गन वाली पुलिस चोर को नहीं मार पाई तो फिर क्या करोगे आप, ये बता दो। दादू को गन लेते भेजूंगा। दादू को गन लेके भेजेगा? वेरी नाइस। दादू दादू मार देंगे उसको, है? वेरी नाइस गाइस, दादू का लाडला है ये बिगड़ चुका है बहुत ज्यादा। और अभी रुक जा। लो भाई घर आते ही, कहाँ जा रहे हो? लॉलीपॉप लेने जा रहा भाई घर आते लड़का। चलो भाई
आते इसके कारनामे शुरू हुआ भाई आज। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपने फार्म हाउस पर भाई, वेदर चेक कर लो भाई, सेक्सी मौसम हो रहा भाई साहब। और ये खड़ी अपनी ड्रीम गर्ल, तो जेन्युइन बताना मुझे तुम अब कि ये गाड़ी कैसी लग रही है। ला भाई सी स्टैम। तो गाइस ये है अपनी गाड़ी, अब तुम जेन्युइनली बताना मुझे कैसी लग रही है। यस, रात में अच्छी लग रही थी, अब देख कैसी लग रही है। अभी धुलवाने चल रहे हैं पहले, धुलवाने के बाद चलेंगे, 6,000 रुपये का तेल फूकेंगे, फिर चलेंगे कॉफ़ी पीने चलेंगे। देखते हैं कहीं अच्छी जगह, बढ़िया जगह जहाँ पे हम अपना व्लॉग शूट कर सकते हैं। तो गाइस ये गाड़ी फॉर सेल है भाई, रात में नहीं पता चल रही थी इतनी गंदी ये है ना भाई। हम गए भी थे गए गाँव में, पता नहीं कौन सा गाँव देख रहे हो भाई, गंदी देखो और अंदर तो। पर भाई वो तो सही है, हम इसको ले गए थे अगर जैगुआर लिया था तो। जैगुआर मोड़ी नहीं पाती भाई, बहुत छोटी छोटी गली थी वो, लंबी थी बट टायर पे जो हो रहा है गाड़ी गुड़ी तोड़ते रहे पंचर मेरे ख्याल से कोई इस वाले में। एक बार इसमें देख लो, उसमें चेक करियो बार। तो गाइस गाड़ी में हो चुका है पंचर यार, इसमें भी हवा कम है यार, हवा कम तो इसमें भी है। अरे चेक करवा ले एक बार, इसमें नहीं है ना। चलो चलो गेट खोल, गेट खोल जो। चलो गाइस चलते हैं सीधा। पर गाइस बिक्री है अपनी ये 4x4, तो जिसको भी चाहिए हो वो कमेंट कर सकता है, मैं नंबर दे दूंगा भाई का, उससे बात कर लेना एक। नहीं यार अब तो BMW लेन चल रहे हैं, कल BMW आ जाएगी 3 सीरीज। वैसे तुम्हारा भाई इतना हार्ड वर्किंग है ना, बहुत ज़्यादा गाड़ी गुड़ी बदलते रहे हैं भाई, अपना शौक पूरे करते रहे हैं। अरे क्या यार, सब लोग पूरी छोड़ी रहा गिफ्ट आया मतलब एक कोई हमें फार्म हाउस पे, मैं था नहीं कल, मैं कहीं गया हुआ था, तो किसी का मतलब हमारे मैनेजर का फ़ोन आया कि सर आपके लिए कोई आया है मिलने के लिए, तो आप अगर अवेलेबल हैं तो आ जाइए। बट भाई मैं था नहीं वहाँ पे, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। बट देखते हैं क्या गिफ्ट आया है हमारे लिए। पहले मैं ओ भाई साहब क्या है बता, आप क्या सोचे क्या सकता है। फूल वूल हो रहा है, फूल चॉकलेट वॉकलेट कुछ ना, वो है सूट तलवार। भाई सूट तलवार भेजी है, दिखाऊं क्या है ये। तो भाई वाह भाई वाह, टी शर्ट भेजी, दो तीन चार, चार है भाई, चार टी शर्ट भेजी हमारे भाई ने। कोई भाई आए थे मिलने के लिए, प्रभजोत नाम था भाई का, और थैंक यू सो मच आपका। तो मुझे सुनने में यही आया था कि भाई के कोई ब्रांड है, तो ब्रांड के लिए कुछ बात करने के लिए आए थे। बट सो सॉरी मैं फार्म हाउस पे नहीं था, बट भाई मैं बहुत जल्दी आपको फ़ोन करूंगा फ्री होते ही, प्रॉमिस है मेरा। और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, पर्सनली बता रहा हूँ, मैं पर्सनली इसे पहनूंगा, और हो सके तो आप वीडियोस में भी देख लेना। तो इसके मुझे लिए लगा किसी लड़की ने भिजवाई है। हाँ तो ज़्यादा लड़की ही लगे हमेशा भाई, भाई मुझे भाइयों का प्यार ज़्यादा है, समझा। अपने भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ों के लिए, तो भाई थैंक यू। बट भाई कोशिश यही करना कि जब भी आप मुझसे मिलने आ रहे हो ये गिफ्ट वगैरह ना लेके आओ, क्योंकि आप इतनी दूर से मिलने आ रहे हो, उसके मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है। हम रहते ही नहीं है तो अच्छा नहीं होगा। मैं मतलब मेरे साथ बहुत बार ऐसा भी हो चुका है, एक बार एक भाई आया था केक लेके, तो उसने केक रख दिया बाहर बाइक पे, गाड़ी के ऊपर रखा था, अब वो केक वहां से गायब हो गया भाई, गाड़ी के ऊपर लिख के उस पे लेटर लिख दिया था भाई मैं आया था, ये आप मिल नहीं पाए पर हम मिले। और भाई ऐसे बहुत बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ, क्या कहते हैं किसी ने फ्लावर भेजा है, फ्लावर भेजने के बाद मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैंने भेजे थे, मतलब चॉकलेट आई थी रात में। रात में तो मुझे भाई मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ अच्छा तो लगता है, पर यार ये चीज़ें थोड़ा सा समझा करो, ये गिफ्ट वगैरह अच्छा नहीं होता। तो अगर आप आ सकते हो मिलने तो आप मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये गिफ्ट वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करो। बाकी गाइस अभी हम चलते हैं, गिफ्ट कौन अवॉइड करता है, मुझे भेजाओ इसे इसे भेजा दो भाई। तो नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ पर्सनली यार, अच्छी बात नहीं है, आप मिलने आओ कोई दिक्कत नहीं है, बट ये गिफ्ट वगैरह समझा करो, थोड़ा समझ जाओ ना, ले आए चलो ले आओ, तो कोई बात नहीं, हम मना नहीं कर रहे, पर ले आओ कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है मत लाओ पर ले आओ। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं सीधा यहाँ से गाड़ी में, एक बार पंचर वगैरह चेक करवा लूँ, पंचर हो गया गाड़ी में, और उसके बाद थोड़ी गाड़ी को वॉश करवा लूँ, वॉश करवाने के बाद चलेंगे, कोई बात नहीं, वॉश करवाने के बाद चलेंगे काफ़ी पीने काफ़ी, फिर वहाँ पे अपना व्लॉग शूट करेंगे। आज बताएंगे अपनी अंदरूनी बात क्यों हम एक्टिव नहीं थे। गाइस बहुत टाइम बाद आज मुझे टाइम मिला अकेला टाइम स्पेंड करने का, अकेला मतलब मैं और मेरा भाई दुबे, तो गाइस दो दो काफ़ी मार रहा हूँ। गाइस मैं स्पेशली इस वाले स्टारबक्स पे इसलिए आता हूँ क्योंकि भाई ये वाला जो स्टारबक्स है ना, इसका टेस्ट जो है वो सबसे अलग है, सबसे ही अलग। स्टारबक्स तो हमारे यहाँ भी दो तीन है भाई। ये अपनी गाड़ी, पहले गाड़ी बिल्कुल गाड़ी चेक करो,
ऐसी पहली इंडिवर है ना, ऐसी इंडिवर नहीं देखी भाई मैंने भी, पहली इंडिवर है। देखो कोई इंडिवर जेड भी नहीं होती, ये जेड है ये भाई। नाइस, ठीक है गाइस, ये अपना स्टारबक्स है देखो भाई, ठीक है। अब ये अपना कॉफी, ये कॉफी वो पी के अपना फेस कर। अरे निकेत भाई ज्यादा मोटा पैसा आ गया, अब तो दूर आते हैं। अब गाड़ी भी बदलेगी होता है नहीं, अब ना पैसा पूसा कमाते रहे भाई। मेहनत मेहनत करोगे ना भाई, मेहनत मेहनत करने के बाद जो पैसा आता है उसका इन्वेस्ट करने का, खर्च करने का मजा जो है वो बहुत अलग है। तो भाई अभी यहाँ पे चलते हैं कुछ खाने के लिए। क्या छोले भटूरे खाओगे क्या? नहीं यार, रोटी मारेंगे और गार्लिक नान है, गार्लिक नान लेंगे और पनीर बटर मसाला जो अपना फेवरेट है वो लेंगे। अगर हमारी मम्मी व्लॉग देख जाएंगे तो ये कहेंगी घर पे रोटी मर गई। भाई मेरे घर वाले तो भगवान कसम मैं तो रोज गाली दे रहा भाई, सुबह सुबह खाना नहीं खाता, शाम को खाना नहीं खाता। तो गाइस पापा अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, मैं इसलिए नहीं खाता क्योंकि मैं बाहर खाना खा लेता हूँ। तो गाइस पहले खाना वाना खा लूँ। तो गाइस ये आ चुका है अपना खाना, और खाना ये देखो, तेरे स्नैप डेट करवा दूँ भाई, जब देखो पूरे दिन स्नैप स्नैप स्नैप। अभी मंगवाया क्या था, देखिए क्या क्या है। अच्छा पनीर वो मेरा कुछ अगर देख गया, चलो भाई खाओ, लेट्स गो गाइस। क्या कहते हैं, क्या कह रहा हूँ उसको, रमेश क्या चूस रहे हो? मैं खा रहा हूँ आइसक्रीम, आपने तो कभी खाई नहीं होगी ना भाई। कैसे कहा, भूल गया कुछ, क्या बताओ ना। मैं पी रहा हूँ कॉफी, आपने तो कभी पी नहीं होगी ना। हमने ना पी कॉफी, तू क्या पी रहा, मिट्टी का तेल। तो गाइस आइसक्रीम खाना आया, बट उससे पहले दिखा, दवाई दिखा, दवाई दवाई दिखाता है। अच्छा भाई ये है भूख की दवाई। अब तुम सोच लो मैं इतना बिजी चल रहा हूँ, मेरी भूख प्यास व्यास सब कुछ भग चुकी है। देखो यार एक तो लाइट वाइट ये सही नहीं दिख रही, चल कोई दिक्कत, थोड़ा एडजस्ट कर लो गाइस। गाइस अभी चलता हूँ सीधा से फार्म हाउस पे चलते हैं, फिर वहाँ जाके थोड़ा अपना वार्तालाप करेंगे, फिर वहीं जाके मैं अपना व्लॉग एंड करूँगा। तब तक मैं अपनी आइसक्रीम, बढ़िया है ना, क्या नाम बताया था, राजभोग, राजभोग राजभोग आइसक्रीम खा के देखना गाइस। छत्तीसभोग राजभोग तो अभी सुबह से गाइज अब हम घर पे आए हैं। सोचो तो इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है अपना, वो बात अलग है, हम घूमते रहते हैं, बट हम घूमते सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पैसे से पैसा बनाते हैं, काम के लिए घूमते, पैसे थोड़ी घूमते हैं। भाई ये मान लो हमारा घूमना भी पैसा कमा रहा है हमें। तो ये फैक्ट है गाइस, आप भी घूमो आप भी पैसा कमाओ। और भाई देखो तुम विश्वास ही नहीं मानोगे, गाड़ी तो भाई हर कोई ले रहा आज के डेट में, पर जो गाड़ी का जो मेन चीज होती है ना, गाड़ी का खर्चा, वो हर किसी के बस की नहीं है। आप तुम देखो सुबह हमने जब हम गए थे, सुबह कितने डलवाया था, 2000 या 2500 का तेल डलवाया था, 2500 का डलवाया था, और अब देख लो भाई रिजर्व पे लग चुकी है, तो समझ जाओ भाई। पर भाई वही बात है, पैसा तो सबकी जेब में लगा है, खर्च खर्च भाई मेन चीज है खर्च करना। जो इंसान खर्च करना सीख गया वो कमाना सीख जाएगा, ये जिंदगी का एक उसूल है भाई। तो खर्च करना सीखो तो कमाना अपने आप सीख जाओ। बहुत भाई कमेंट करेंगे इसमें, अरे पैसा तो है नहीं खर्च कहां से करें। अब वो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब पहले थोड़ी मेहनत भी बनती है, मेहनत करो पैसा कमाओ उसे खर्च करो, फिर दोबारा आपके पास पैसा जरूर आएगा। तो गाइस स्टे ट्यून और मोटिवेटेड रहो, अपना बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड नाइट, हैव अ सेफ स्वीट ड्रीम्स, लव यू सभी भाइयों को।